Hello friends, I am Dr. Brajesh Mishra from Sainik Dental Clinic. Welcome to my YouTube channel, जहां पर अक्सर हम दांतों से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं और आपके क्वेरीज को हम सुलझाते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों के दांतों के बारे में। जब बच्चों के दूध के दांत आ रहे होते हैं तो इस प्रक्रिया को हम टीथिंग कहते हैं। तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड है, स्पेशली उन यंग पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे रोने लग जाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, मुंह से लार आता है, कभी कभी बुखार हो जाता है दांत के आते समय। जब छोटे बच्चों के दूध के दांत आ रहे होते हैं उस समय मसूड़े सूज जाते हैं, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे को दांतों में दर्द होता है। अक्सर देखा जाता है कि ये प्रक्रिया मैक्सिमम बच्चों में नॉर्मल होती है, बट कुछ बच्चों में ये इवेंट थोड़ा सा पेनफुल होता है। छोटे बच्चों के जो दांत होते हैं दूध के दांत, वो आने शुरू हो जाते हैं 6 महीने से, और ये प्रोसीजर प्रक्रिया चलती है 2.5 साल से लेके 3 साल तक, मतलब 3 साल तक दूध के दांत सारे आ जाते हैं। दूध के दांत 6 से 7 साल तक मुंह में रहते हैं, उसके बाद एक एक करके ये टूटते हैं और फिर ये परमानेंट दांत आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले दूध के दांत जो आएंगे वो नीचे के फ्रंट के दांत आएंगे, उसके बाद ऊपर के फ्रंट के दांत आएंगे, एंड फिर धीरे धीरे जाड़ आने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे टीथिंग के लक्षण के बारे में, इसमें होता क्या है। टीथिंग में क्या होता है कि बच्चों के मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों में दर्द होगा। दर्द होने का कारण यह है कि जब दांत आता है तो मसूड़ों को सेपरेट करते हुए आता है। मसूड़ा एक सॉफ्ट चीज है, दांत अंदर से आ रहा है तो बच्चे को उस टाइम पे दर्द होता है, मसूड़ा फूल जाएगा, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, खाना ढंग से नहीं खाएगा क्योंकि बच्चों के मसूड़ों में दर्द होता है। हो सकता है कि बच्चे को थोड़ा फीवर भी हो जाए, तापमान आ जाए, बॉडी गर्म हो जाए। टीथिंग के टाइम पे क्या होता है कि सलाइवा ज्यादा आता है, लार ज्यादा आता है, जिसे हम ड्रूलिंग कहते हैं। बच्चा कोई भी चीज क्या करेगा, उठा के अपने मुंह में ले लेगा, काटने की कोशिश करेगा, कोई भी छोटा मोटा खिलौना होगा तो उसको उठा लेगा, दबाने की कोशिश करेगा। ऐसा करने से उसको थोड़ा सा आराम मिलता है। तो इस पॉइंट पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि उसके आसपास के हाइजीन को हम बहुत ही साफ सुथरा रखें। मान लीजिए कोई भी चीज वो मुंह में ले रहा है और वो गंदी है, कोई टॉय ले रहा है, अगर वो गंदी है तो जर्म्स पेट में जाएंगे और फिर ऐसे में बच्चों को डायरिया 100% होती है, वोमिटिंग हो सकती है। तो ये चीजें ना हो, एज अ पेरेंट्स हमारे को चाहिए कि बच्चों के आसपास हम साफ सुथरा एनवायरनमेंट मेंटेन करें, बच्चों के हाथ को बार बार धोएं, उसको टॉयज को बार बार धोएं, आसपास का माहौल एकदम साफ सुथरा रखें। ऐसे समय में हमारे को बच्चों को हार्ड एंड पौष्टिक चीजें देनी चाहिए, जिससे बच्चों के बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़े, जिसको हम नॉर्मली इम्यूनिटी कहते हैं। बच्चों को पौष्टिक खाना देना चाहिए इस टाइम पे। बच्चों को हार्ड फ्रूट, सख्त फ्रूट दें, हार्ड चीजें दें दबाने के लिए, जिससे कि जो टीथिंग है उसमें जो पेन होता है वो बच्चों को नहीं होगा। तो ये तो थी बच्चों के टीथिंग के बारे में, क्या टीथिंग होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं, हमारे को क्या करना चाहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये भी कर सकते हैं कि बच्चों के मसूड़ों को हम बार बार रब करें, मसाज करें, थोड़ा सा हमारे हाथ साफ सुथरे होने चाहिए और थोड़ा सा हमारे को मालिश करनी चाहिए, इससे बच्चों को अच्छा लगेगा, आराम मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि बेंजोकेन जेल लगाने चाहिए, बट ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो कि कुछ टाइम के बाद अपने आप ही अडेप्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। बस हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हाइजीन का, आसपास का माहौल साफ सुथरा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करा है टीथिंग के बारे में। आगे भी आपको दांतों से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे को मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।